पूरी परिक्रमा कर सकते हैं, कर सकते हैं जी। सुलेखा सिंह जी बनारस से, राधावल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मुझे पॉलिसिस्ट किडनी रोग है, ये एक असाध्य बीमारी है, ये एक वंशानुगत बीमारी है। डॉक्टर के अनुसार मेरी किडनी सामान्य किडनी से 15 गुना बड़ी है। विगत 4 वर्षों से मैं इस बीमारी से, जैसी आपकी है वैसे इस शरीर की भी है, ये भी वंशानुगत माँ के गर्भ से आता है। ये डर बना रहता है कि ये हमारे बच्चों में ना आ जाए, बस इसी वजह से मन बहुत घबराता है। काहे को डरना है, तुम्हारे केवल बच्चे अनंत ब्रह्मांडों का पालन पोषण हरि कर रहे हैं, जैसे तुमको दिया है तुम्हारे भाग्य के अनुसार ऐसे बच्चे आए अपने का। ये जरूर कि भगवान उनकी ये रक्षा करें कि उनको तुम्हारा कहीं वंशानुगत रोग न, बहुत भयानक है, बहुत भयानक है। कई बच्चों को हो जाता है, जैसे माँ को होता है ना, तो कई बच्चों को हो जाता है, और बहुत ही ये दुर्दशा वाला रोग है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म सुभाष भोगना पड़ता है, पर मस्ती इसलिए रही कि परम मस्त भगवान सच्चिदानंद से चित्त जुड़ा रहा, इसलिए कोई परेशानी आज भी नहीं है। यद्यपि बड़ी परेशानी, फिर भी कोई भी परेशानी नहीं। परेशानी वाला चेहरा अलग ही होता नहीं होता, आपको इस चेहरे में परेशानी नजर आ रही है, परेशानी दूर करने वाली बात नजर आ रही है, क्योंकि परेशानी जहां से दूर होती वहां चित्त को समर्पित कर दिया गया, तो शरीर पीड़ा युक्त रहता है, मन प्रसन्न रहता है। तो वही बात हम आपको कहेंगे कि राधा राधा नाम जप कीजिए और खान पान का संयम रखिए, डॉक्टर की सलाह के अनुसार आहार लीजिए और थोड़ा व्यायाम कीजिए, मतलब चलने का व्यायाम इसमें ज्यादा सेट रहेगा, क्योंकि इसको मोड़ना, फट भी सकती किडनी। जैसे अपने लोग योगिक क्रियाएं करते थे, साधु वेश में थे, 8 घंटे 6 घंटे पद्मासन में बैठना, सिरासन में खड़े होना आदि आदि, तो फिर जब हम गए किसी डॉक्टर के पास तो उन्होंने कहा कि आप कहीं साधन इस तरह का तो नहीं करते, तो हम कहा करते हैं, बोले मुझे अनुमान था क्योंकि आप साधु हैं फट जाएगी किडनी आपकी, क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ, बहुत सावधानी की जरूरत, क्योंकि वो गांठें मतलब बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं और फिर ज़्यादा नुकसान होने की जरूरत है। आज के लगभग 20 वर्ष पहले जब हमको कुछ स्वामी श्री राम सुखदास जी के संतजन वो आए, तो अपने तो अकिंचन थे, तो उन्होंने कहा कि एक बार हम बहुत बड़े डॉक्टर से आपको चेक कराते हैं। उस समय हम अखंड वृंदावनवास की निष्ठा नहीं लिए थे, तो वहाँ जब दिन भर पूरा चेक हुआ तो शाम के बैठा ला और कहा बाबा जी हो इसलिए तुम्हारे पास कोई तो है नहीं, तो हम पूरी बात तुम्ही को बता देते हैं कि तुम्हारी किडनी का साइज इतना इतना हो गया है और आप बहुत बहुत 5 वर्ष आपका शरीर चलेगा और आप मर जाओगे, इसलिए आप अच्छे से भजन कर लीजिए और ब्लड प्रेशर दिखाते रहिए और थोड़ा सावधानी पूर्वक भोजन पाए। तुम कहा हमारे सावधानी क्या, जो भिक्षा मिला उसी से जीते हैं, कोई ना अर्थव्यवस्था ना कोई वास व्यवस्था, ऐसे उनका 5 वर्ष में मर जाओगे। तो उनकी बड़ी कृपा हुई जो उन्होंने 5 वर्ष शब्द कहा, इसमें मर जाओगे कि आप क्या साधन। फिर जो आर्त भाव जागृत हुआ, पता है ना, जब गजेंद्र ने देखा कि 1000 वर्ष लड़ते हो गए, अब ग्रह से नहीं छूट पाएंगे, परिवार के भी भाग गए गजेंद्र के, तो उसके आर्त भाव प्रकट हुआ और उसने पुकारा हे हरि, तो बात बन गई। तो ऐसे ही फिर जो आर्त भाव आया, फिर वो बात बनी जो जीवन में कभी साधना से नहीं बनती। तो मुझे लगता है मुझे ये किडनी वरदान मिली है, कि हो सकता है कि जो बात हमारी कई जन्मों में बनती वो हमारी बात इस किडनी ने बना दी। सच्ची आपको कहते भगवान की विशेष कृपा। अब डॉक्टर है कि नहीं मुझे तो पता नहीं, पर अपना शरीर देखो 20 वर्ष हो गए, अरे आगे ठाकुर जी जाले जैसा, अगर उनको सेवा लेनी है ना तो ऐसे ही दाड़ते रहेंगे, जब उनको बुला ला है तो बुला ले। तो डरो मत बच्चा, खूब नाम जप करो, मस्ती से रहे, मरना एक बार होता है, जिनकी किडनी ठीक होती है 1 मिनट में एक्सीडेंट होता है पधार जाते, तो अपने तो भगवत आश्रित जन है। और ये निश्चय सोचना है कि शरीर तो छूटेगा, एक दिन छूटेगा, हाँ जो कष्ट सहना है उसके लिए नाम जप से तैयारी कर लो। नाम जप वो वस्तु है जो परमानंद प्रदान करता है, मतलब सच्ची मान लेना, हर कष्ट सहने की सामर्थ्य भगवान देते। नाम जप का फल ये नहीं कि हम किडनी ठीक कर लें, सच्ची कहते हैं आपसे, छोटे छोटे मंत्रों में, छोटी छोटी साधनाओं में ऐसी सामर्थ है कि ये सब बातें बहुत जल्दी ठीक की जा सकती है, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होगी, भगवत प्रेम नहीं होगा। इसीलिए बड़े बड़े जैसे रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के उदर में कैंसर था, सामर्थ्य इतनी कि विश्व से वो मिटा सकते हैं, लेकिन भगवान के विधान पर राजी रहना
सरकारी आदमी वही जो सरकार के कानून की रक्षा करता है, ऐसे भागवतिक जो महाभागवत जन है भगवान के विधान की रक्षा करते हैं। भगवान जो विधान रच दिए उसको हम भोगेंगे और अपने भजन का फल भगवान की प्राप्ति करेंगे। सर्व जगत मंगल करने की सामर्थ्य होती भजनानंदियों में, जो वास्तविक भजन मार्ग में रहते हैं। और होता है सर्व जगत मंगल, ऐसा नहीं, हमने संतों को देखा है बड़े बड़े रोगों को चुटकी बजाते नष्ट कर दिया, और आप स्वयं पीड़ित हैं, आप स्वयं कष्ट में हैं। सबसे बड़ा रोग है भव रोग, अगर संतों की बात मान जाए तो बात मात्र से इस संसार समुद्र से उद्धार हो जाए। तो डरना नहीं, राधा राधा नाम जपते रहना, सावधानी रखना और भगवान का आश्रय रखना। मरना है ही एक दिन, बार बार मरना नहीं है तो फिर डरना क्या है। राधा राधा।